सभी डेलीट साथियों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को पता है अगर आप डीएलएड सेकंड सेमेस्टर या फिर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में है तो ऑनलाइन इंटर्नशिप हो रहा है और जिसके थ्रू आप देख सकते हो आपके सामने एक पेज शो हो रहा है जो कि आपके कॉलेज की तरफ से सेंड किया जाएगा, जो भी ग्रुप है उस पर सेंड किया जाएगा और उसको क्या करना होगा, आप सभी को फिलअप करना होगा। बट यहाँ पे ये सवाल आता है कि इसको किस तरीके से फिलअप करना है, आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से आप सभी को हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हर एक प्रशिक्षु के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको आप सभी को अगर आपके कॉलेज में नहीं आया है तो कुछ दिन के बाद मतलब आ जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि लिखा है कि उचित कक्षा के सामने सही का निशान लगाएं। अगर आप सेकंड सेमेस्टर के हैं तो आप क्लास वन, या अभी मैं दिखा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा फिलअप हुआ है, ठीक है, जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी के साथ इसको समझ सकेंगे और फिलअप कर सकेंगे, ठीक है। तो अगर आपका सेकंड सेमेस्टर है तो आप फर्स्ट वाले पे, जैसे कि यहाँ पे क्लास 6 और 8 का है, ठीक है, तो अगर आप फोर्थ सेमेस्टर का है तो ये वाला चूज करेंगे, क्लास 6 और 8। अगर आपका सेकंड सेमेस्टर है तो क्लास 1 और क्लास 2 चेंज करेंगे। और यहाँ पे जिस डेट से आपने ज्वाइनिंग की है, ठीक है, वो डेट यहाँ पे फिलअप करना है। फिलहाल ये डाइट का है तो इसलिए 7/10/2020 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ हाउस होल्ड, जैसे कि आपने जीपी ऐप में जिस तरीके से फिलअप किया था सेम इसमें भी फिलअप करना होगा, ठीक है। कर्मवार, प्रश्नवार, जैसे कि प्रश्न, जैसे घर के मुखिया का नाम, चयनित बच्चों की संख्या, फ़ोन नंबर, फ़ोन का प्रकार, फ़ोन किसका है, बच्चे के रिलेशन से, बच्चे को कौन पढ़ाने वाला है, क्या घर में रेडियो है या नहीं। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि अगर आपने जीपी ऐप फिलअप किया होगा तो उसमें सारे ये क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो आप इसको बहुत ही आसानी के साथ, अगर आपने हाउस होल्ड 1 लिखा, यानी अगर आपने एक घर के किसी भी बच्चे को चयनित किया है तो उनके पिताजी का नाम, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे चयनित यानी उस घर के कितने बच्चों की संख्या है। अगर एक ही घर के दो बच्चों को आपने लिया है तो एक, और अगर एक ही है तो यहाँ पे एक फिलअप करेंगे। उस घर का फोन नंबर, ठीक है, कौन सा फोन है, फोन का प्रकार आप फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रेगुलर फोन, स्मार्टफोन, तो ये 1 और 2 में फिलअप कर सकते हैं। फोन किसका है, उसके पिता का, भाई का, तो ये फिलअप करना है। उसके बाद बच्चे को कौन पढ़ाता है, आसानी के साथ फिलअप कर सकते हैं। क्या घर में रेडियो है, यानी किसी बच्चे के घर में रेडियो है तो यस, अगर नहीं है तो फिर नो कर दीजिए। तो ऐसे ही जितने भी बच्चे हैं सेम ऐसे ही फिलअप करना है आसानी के साथ, क्योंकि आप सभी को पता है 10 बच्चों को चयनित करना था लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इतने बच्चे नहीं मिल पाए, किसी को 4 तो किसी को 6 किसी को 7, तो जितने बच्चे मिले हैं उन्हीं का नाम फिलअप कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकेंगे कि जिस नंबर पर मैसेज आता है वो नंबर लिखे, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्टफोन, यहाँ पूरा लिखा गया है कि किस तरीके से फिलअप करना, यहाँ पूरा डेमो दिया है, क्लियर। यहाँ पर आप देख सकते हो अस्तर दिखाने के लिए निर्देश, यहाँ पर अस्तर दिया गया है, तो यहाँ पे पूरा इस तरीके से दिया गया है। थोड़ा हम और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हो कि यहाँ पर भी यही मुखिया का नाम, यानी जितने बच्चे को आपने जो भी उनके फादर का नाम है ये फिलअप करना है। फोन का प्रकार, तो यहाँ पर फोन का प्रकार देख सकते हो, स्मार्टफोन के लिए 1 और रेगुलर फोन के लिए 2 लिखना है। अगर किसी बच्चे के पास स्मार्टफोन है तो 1, और वैसे ही सिंपल फोन है तो आप 2 को फिलअप करेंगे। उसके बाद बच्चे का नाम, बच्चे के स्कूल का जो भी कोड है या नंबर है वो फिलअप करेंगे। बेसलाइन यानी आप कह सकते हो किस स्तर पर है, जैसे कि अगर वो किसी, जैसे कि स्तर दिखाने के लिए निर्देश भाषा, यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा गया है, थोड़ा हम इसको और जूम कर देते हैं, ठीक है। और अगर आप ये जो पेज है इसको अगर आप चाहते हो तो मैं सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पे। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो वेस लाइन दिखाने के लिए, स्तर दिखाने के लिए, अगर उसे कुछ भी, किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं पता है तो 0 फिलअप करेंगे। अगर उसे अक्षर का ज्ञान है तो 1, अगर शब्द को पढ़ लेता है 2, अगर किसी अनुच्छेद यानी किसी वाक्य को पढ़ लेता है तो 3 को फिलअप कर लेंगे, और कहानी वो बहुत ही अच्छे ढंग से बना लेता है, पढ़ लेता है तो 4,
ठीक है। तो इस तरीके से अस्तर दिखाने के लिए निर्देश गणित, यानी जो भी अगर गणित में कुछ भी नहीं आता है तो जीरो अंक की पहचान कर लेता है, तो एक संख्या पहचान के लिए, दो घटाओ के लिए, तीन भाग के लिए, चार। तो ये बहुत ही आसानी के साथ आप इसको फिलअप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से इस पेज को फिलअप करना है। मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन शेयर करना था, जिस तरीके से आपने एक महीने का जो ऑनलाइन इंटर्नशिप था, जो जीपी ऐप पर डाटा को फिट करना था, ठीक है, और आपको एक असाइनमेंट यानी जो भी आपको आपने एक महीने में जो कुछ भी किया है उस कॉपी में लिखना था, तो इस पेज में यही सब कुछ फिलअप करना है। आसानी के साथ आप इसको कर सकते हो। तो फिलहाल मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन शेयर करना था। आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके कमेंट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।